आतंकवादी हमले से पुलवामा में शहीद हुए भारतीय सैनिकों की शहादत को लेकर पूरे देश में आक्रोश फैला हुआ है। जनता कड़ी कार्रवाई और आतंकवादियों को सबक सिखाने के लिए मांग कर रही है। इसी क्रम में जिले में प्रकाश मंदिर के छात्र और अध्यापकों ने अनूठे तरीके से रैली निकाली। इस रैली में कुत्तों को पाकिस्तानी झंडा पहना के पूरे क्षेत्र में घुमाया गया। समाज किया गया, किस विद्यालय के माध्यम से किया गया और क्या संदेश देना है? देखिए, प्रकाश विद्या मंदिर की तरफ से शहीदों को मौन श्रद्धांजलि देने के बाद आज प्रकाश विद्या मंदिर के बच्चे, अध्यापक, दबोली के नागरिक सारे लोग यहाँ पर कुत्तों को लेकर और उनको घुमा रहे हैं और ये संदेश देना चाहते हैं कि पाकिस्तान के आतंक भगोड़े हैं और ये पाकिस्तान के टुकड़ों में पलते हैं और हम आज इस मैसेज के साथ निकले हैं कि अगर 40 हमारे शहीद हुए तो हमें 400 की हमें सर चाहिए। ये आज इन बच्चों की, इन अध्यापकों की, दबोली वासियों की, सबकी भावना और मेरी भी यही भावना है। क्या नाम है आपका और क्या कहते हैं? आज कश्मीर के पुलवामा में जो हमारे जवान शहीद हुए हैं उनको प्रकाश विद्या मंदिर दबौली वेस्ट बालक बालिका इंटर कॉलेज की तरफ से श्रद्धांजलि दी गई है और जवानों की जो शहादत हुई है उस पर हम लोग शोक व्यक्त करते हैं। मौन रख के उनको हम लोगों ने श्रद्धांजलि दी है और इसके लिए हमारी सरकार, हम अपनी सरकार से ये आग्रह करते हैं कि कश्मीर से धारा 370 हटाई जाए जिससे हमारे जवान स्वतंत्र रूप से होकर अपने जो जवान शहीद हुए हैं उनका बदला ले सकें।